दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो है राजस्थान की परंपरा। राजस्थान की परंपरा में जो शादी दस्तूर होते हैं, उस शादी दस्तूर में जो पगड़ी हमारे यहाँ पर राजस्थान में बोला जाता है उसको साफा। अब साफा भी बहुत तरीके का होता है, मारवाड़ी साफा, राजपूती साफा, और इसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं। गुजर जो साफा बांधते हैं वो बहुत अलग होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में राजपूती पूछ वाला साफा किस तरीके से बांधा जाता है। तो हमारे वीडियो के साथ लगातार बनाए रहिए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आपको अगर कोई भी हमारी वीडियो में गलती या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है तो आप हमारे साथ मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा बात कर सकते हैं। तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए दोस्तों, और हमारे साथ हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। और मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने हमारे वीडियो को लाइक किया। अब ये देखिए, साफा बांधने की परंपरा शुरू हो चुकी है। अब ये साफे को पहले कलप द्वारा कलप किया जाता है, फिर उसको सीधा किया जाता है। सीधा करने के बाद में ये इस तरीके से साफे को पकड़ के और उसके अंदर आगे का पलड़ा बिल्कुल प्लेन रखा जाता है, और यहाँ पर घुमा के इसको लपेटा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे सर पे ही साफा बांधा जा रहा है, जिसको मैं आपको, ये देखे आप गोल गोल जो घुमाओ देख रहे हैं, ये घुमाओ और स्टार्टिंग में ही एक पल्ले को पकड़ कर और फिर वहाँ पर थोड़ा सा अंदर घुमा के इसको डाल दिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में लगातार देखते रहेंगे, ये राजपूती मारवाड़ी साफा आता है। आप इसको बड़े गौर से देखिए, आपको इसमें पूरी चीज़ दिखाई देगी किस तरीके से साफे को बहुत अच्छा रूप दिया जाता है। हर किसी के चेहरे पे, हर किसी के कदकाठी के अनुसार साफे को बांधा जाता है, उसी हिसाब से पूंछ भी रखी जाती है। ये अभी जो सर के बाल हैं वो भी ऊपर की तरफ साफे को घुमाकर और उसको अंदर डाल दिया जाएगा, और बाल भी छुपा दिए जाएंगे, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। और इसको बोलते हैं मोर जो निकाला जाएगा। इसमें इस साफे में कलप कम था, कलप अगर होता है तो ये बिल्कुल मोर जो ये देख रहे हैं, ये जो सेट कर रहे हैं, ये पूरा कड़क होके और एक अलग से ही निकल के सामने आता है ये। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।